तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल नर्सिंग रिव्यूज़ एंड क्यूज़ में। दोस्तों एक बार फिर से लेटेस्ट वैकेंसी के साथ हम आ गए हैं। दोस्तों बिल्कुल लेटेस्ट वैकेंसी होने वाली है, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी। दोस्तों तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों ऐसे ही वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे तो इसलिए वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर करें ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेकर आते रहें। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है नर्सिंग रिव्यूज़ एंड क्यूज़ को, तो दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक करें ताकि दोस्तों सभी नोटिफिकेशन की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। इसके अलावा दोस्तों हमारे एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है मेडी स्टडी आई क्यू। दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ देख सकते हैं आप इम्पोर्टेंट वीडियोस मेडिसिन से रिलेटेड आपको हम डालते हैं। यहाँ इमरजेंसी ड्रग से रिलेटेड वीडियो डाला गया है, दवा यानी कि जो मेडिसिन से, उनमें आईपी बीपी और यूएसबी का क्या मतलब होता है यहाँ पर लिखा गया है। आईवी कैनुला का पूरा डिटेल में वीडियो बनाया गया है दोस्तों, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आज की जो वैकेंसी होने वाली है वो है गुजरात यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रांसप्लांटेशन साइंस यानी कि GUTS से वैकेंसी है। दोस्तों बिल्कुल यहां पर आपके लिए नई वैकेंसी आ चुकी है। दोस्तों यहां आपकी जो है सैलरी बहुत ही अच्छी रहने वाली है, 2 लाख के प्लस सैलरी है। दोस्तों पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। यहाँ पर दोस्तों किडनी डिजीज़ एंड रिसर्च सेंटर डॉक्टर HL त्रिवेदी इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसप्लांटेशन साइंस अहमदाबाद से दोस्तों वैकेंसी है, सिविल हॉस्पिटल कैंपस अहमदाबाद। यहाँ पर आप देख सकते हैं वैकेंसी के बारे में आपको हम बताएंगे। तो कैंडिडेट कैन डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म GUTS वेबसाइट और GUTS.ac.in इसकी ऑफिशियल साइट है। यहाँ पर आपको स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड एडी या कुरियर से आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है। ऑफलाइन इसका एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है। लास्ट डेट इसकी आपको 29/7 यानी कि 29 जुलाई तक आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म पहुँच जाना चाहिए। आगे हम बात करते हैं नेम ऑफ पोस्ट की, तो यहाँ हमारे लिए पोस्ट है प्रिंसिपल इन नर्सिंग कॉलेज जिसके लिए दोस्तों MSc नर्सिंग मांगा गया है। MSc नर्सिंग वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जनरल के लिए एक पोस्ट होने वाली है और सैलरी की आगे हम बात करें तो यहाँ पर नर्सिंग प्रिंसिपल के लिए लेवल 12 रहने वाला है यानी कि फर्स्ट ग्रेड की जॉब है और सैलरी आपकी बेसिक 78,800 और 2,09,200 तक आपकी पेमेंट दी गई है। नर्सिंग प्रिंसिपल की एज जो है 52 ईयर तक के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। जिनको 5 साल का एक्सपीरियंस है वही ये कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। MSc नर्सिंग प्लस 5 ईयर्स का यहाँ एक्सपीरियंस मांगा गया है। 1 ईयर यहाँ पर एज रिलैक्सेशन पर एज लिमिट मांगी गई है GAD नोटिफिकेशन के अनुसार जो कि 14/10/2021 के अनुसार है। एज पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से यहाँ पर एज रिलैक्सेशन रहने वाला है जो कि मैंने यहाँ आप देख सकते हैं 10 ईयर्स वुमेन ST ST SC BC WC कैटेगरी गुजरात ओरिजिन के लिए है और यहाँ पर 5 ईयर्स जो है ST ST SC BC WS के लिए दी गई है। इसके अलावा दोस्तों आगे हम बात करें तो यहाँ पर आपको इंडिया का सिटीजन होना मांगा गया है। यहाँ पर कहीं नहीं लिखा गया है कि ओनली गुजरात के कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। आई थिंक ऑल इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर मोर देन वन पोस्ट तो आपको सेपरेटली जो है उसकी फ़ीस अलग अलग पे करनी होगी, अलग ही उसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। बिफोर फिलिंग एंड सबमिटिंग एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट आर एडवाइज टू गो थ्रू द क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मैंडेटरी फॉर द पोस्ट ऑफ मेक्स योर कैंडिडेट प्रोसेस द सेम। तो आप अपना एज क्वालिफिकेशन अच्छे से चेक कर लें उसके बाद ही एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करें। दोस्तों
ऑफलाइन इसका एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है, जिसमें आपको दोस्तों इंटरव्यू के टाइम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे। एप्लीकेशन फॉर्म में आपको सभी की जेरोक्स कॉपी लगानी होगी, जो कि सेल्फ अटेस्टेड मांगी गई है। इसके अलावा दोस्तों आगे आपको जो है कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए मेल आईडी प्रोवाइड की जाएगी, यानी कि आपकी मेल आईडी आपको प्रोवाइड करनी होगी। जो भी प्रोवाइड आप मेल आईडी करेंगे उस पर सभी अपडेट आपको मिल जाएगी। आपकी एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 500 रुपीज़ यहाँ पर रहने वाली है फ़ीस, जो कि जनरल कैटेगरी के लिए है। इसके अलावा जो भी SC ST SC BC EWS PD कैटेगरी के हैं उनके लिए 250 फीस रहने वाली है, जो कि एक बार पे करनी होगी। डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवाना होगा, जो कि पेड बाय डिमांड ड्राफ्ट चेक पेबल एट अहमदाबाद ड्रॉवर ड्राउन इन फेवर ऑफ गुजरात यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रांसप्लांटेशन साइंस। तो यहाँ गुजरात यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रांसप्लांटेशन साइंस अहमदाबाद के नाम से आपको पेबल डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा यहाँ पर। इसके अलावा दोस्तों आपको जो ऑफिशियल एड्रेस है, एड्रेस यहाँ पर दिया गया है एप्लीकेशन फॉर्म का, गुजरात यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रांसप्लांटेशन साइंस अपोजिट ट्रॉमा सेंटर सिविल हॉस्पिटल कैंपस अहमदाबाद। दोस्तों यहाँ 27 जुलाई के पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म पहुँचना अनिवार्य है। इसके अलावा दोस्तों आपका जो है डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ होना चाहिए, आपके पास जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपको लगाना अनिवार्य है। तो यहाँ पर जो वैकेंसी थी उसकी पूरी से ज़्यादा डिटेल हमने आपको बताने की कोशिश करी है। दोस्तों अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर ज्वाइन कर लें, उसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप ये नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों वहाँ से आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन भी प्राप्त होती है, तो ज़रूर ज्वाइन कर लें। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, यहाँ पर 2.7 के सब्सक्राइबर हैं। और दोस्तों यहाँ पर यदि आपको इनकेस यूट्यूब से नोटिफिकेशन नहीं प्राप्त होता है तो सभी वीडियो की अपडेट हम इस चैनल पर डालते हैं। इसके साथ ही दोस्तों सभी नोटिफिकेशंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर अभी लेटेस्ट जैसा कि आप देख सकते हैं जिपमर से नोटिफिकेशन आया है, जो कि हमने डाल दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन हम डालते हैं, साथ में कभी कभी क्यूज के क्वेश्चन भी डालते रहते हैं। तो इम्पोर्टेंट अपडेट के लिए दोस्तों अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें।